शाहरुख खान की नई आने वाली फिल्म पठान पर रिलीज होने से पहले ही तनकीद शुरू हो चुकी है, जबकि इस फिल्म का एक गाना बेशरम रंग रिलीज हो चुका है। भारत में हिंदू कम्युनिटी के लोगों ने इस फिल्म को रिलीज ना करने का कहा हुआ है। साथ ही इस फिल्म के बारे में हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की भी राय आ चुकी है। फिल्म के ट्रेलर और गाने से साफ जाहिर है कि इस फिल्म में काफ़ी नंगापन दिखाई देता है और फिल्म का नाम पठान रखा गया है। इस फिल्म में शाहरुख और दीपिका मेन रोल अदा कर रहे हैं, जबकि पठान कौम के बारे में बात करें तो पठान कौम अक्सर इबादत में दीगर कौमों से आगे है और इस फिल्म पर रिलीज होने से पहले ही बंदिश इन दो वजूहात के बाइस की गई है। फिल्म पठान में जो लिबास दीपिका ने पहना है, इस कलर को हिंदू मजहब में अहम समझा जाता है और इसी वजह से हिंदू कम्युनिटी ने फिल्म का बायकॉट किया है, जबकि मुस्लिम कम्युनिटी ने पठान लफ्ज़ पर फहाश दिखाने पर बायकॉट किया है। 4 साल बाद शाहरुख खान किसी फिल्म में नज़र आए हैं, वो है पठान, जिस पर भी काफ़ी चर्चे हो रहे हैं। अब देखना यह है कि क्या ये फिल्म रिलीज़ हो पाएगी या फिर इस फिल्म पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी जाएगी।